नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज से आपको कहा था कि मैं रिवीजन के वे टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है और उन्हें रिवाइज करना जरूरी है। प्रश्न बनने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है और जीजी डिफेक्ट को भी शामिल किया जाएगा क्लास में। तो अंत में आप देखोगे कि जीजी डिफेक्ट को भी शामिल किया गया है। लोक नाट्य मैंने पढ़ाए नहीं थे आज दिन तक चैनल पे, तो लोक नाट्य एक पढ़ाना जरूरी था। तो आज की इस क्लास में लोक नाट्य, पिछले आए हुए प्रश्न यानी कि एग्जाम में जो प्रश्न बन चुके हैं, एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन और जीजी डिफेक्ट के साथ में ये क्लास आज अपन लेकर आए हैं। रिवीजन की दृष्टि से है तो जिन्हें मतलब लगता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लेना चाहे आपकी इच्छा हो तो, ताकि आपका समय जो है बच जाएगा। वैसे आज आपका समय बहुत गया है बजट देखने के अंदर, बजट में हालांकि सही बात बताऊं मिलियों की नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे कि सर आप एक शिक्षक हो, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब ऐसे नहीं कहने का मतलब क्या है? शिक्षक है इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिखावा करें, झूठ बोले, जो सच है वही तो कहेंगे। जब वैकेंसी नहीं आई तो नहीं आई कहेंगे, कहां से कहेंगे आ गई या आएगी। अब इस बजट में नहीं आई, अब कब आएगी या कैसे आएगी वो तो अब सरकार जाने, क्या कर सकते हैं। अब मैंने कहा तो कुछ बच्चे काफी जने तो बेचारे दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है ना। आखिर में युवा किस लिए देख रहे हैं? युवाओं को समर्पित कहा गया, युवा इसलिए तो देख रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, हम तैयारी करेंगे, हम हमारे सपने सच करेंगे। अब नहीं आई तो फिर अब मैं मतलब दिखावा मेरे से तो होता नहीं। जो फॉर्मेलिटी अपने न आज तक की और न करेंगे, जो है अंदर वही बाहर है। मुझे चाहे आप आदर्श मानो चाहे न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक शिक्षक बन के पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से आया हुआ हूँ और आप लोगों के जैसे बन के ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मेरे को दिखावा करने की आदत भी नहीं है और नहीं कभी करेंगे अपन। जिसको लगे वो कि पढ़ना चाहिए पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ लो बस। चलिए अब जो भी है, ओम इग्नोराय नमः और बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, ठीक है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों लोक नाट्य, ठीक। लोक नाट्य के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं आप? लोक नाट्य में रम्मत पूछी जाती है, तमाशा, नौटंकी, गवरी, चार बैत, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं और किस तरीके से आपको रिविजन करना है, मतलब इस क्लास के अंदर आपके लोक नाट्य कंप्लीट पूरा ही रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया आराम से इत्मीनान से बढ़िया अच्छी तरीके से क्लास देख लेना, इसके बाद में आपके प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कहीं से बाहर जा सकता है। सबसे पहली चीज जो पूछी जाएगी, क्या पढ़ रहे हैं? रम्मत, ठीक है। रम्मत का मतलब क्या है? रम्मत का मतलब है रमना, खेलना, ठीक है। तो यदि अर्थ पूछे तो इसका अर्थ आप क्या कह सकते हो? खेलना, या मारवाड़ी में कहते हैं रमना, ठीक है, या रमने वाला, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रम्मत। अब इसमें प्रश्न बनता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, यानी रम्मत का उद्गम कहां से हुआ, कहां से शुरू हुई। तब ध्यान रखना यदि आपको उद्गम पूछा जाए तो उद्गम हुआ है साथियों जैसलमेर से। उद्गम कहां से हुआ? जैसलमेर से, जैसा कि आप क्लासेस देखते हो मेरी याद करने के लिए। तो इसको कैसे याद रखोगे? अब कोई बच्चा है घर पे तो ज्यादा बदमाशी करे या माँ तो खावा पड़ बहन, तो बिन माँ बाप यू ही कह के तू जा रम, क्या कह है जा रम, बार जान रम, तो जा रम, या तो ऐसे कर देना रम जा रम से याद रख लो, या फिर ऐसे लिख लेना रमजे, ठीक है, रमजे, तो याद हो जाएगा। रम्मत जैसलमेर से उद्गम हुआ, उद्गम हुआ जैसलमेर से, लेकिन प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की। प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की, ध्यान रखना। लेकिन बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, ठीक है, बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। उद्गम हुआ जैसलमेर से, दो चीजों में क्लियर कर लेना। पाटा संस्कृति या पाटवेरी रम्मत कहते हैं ना, वो भी बीकानेर की है, ठीक है। बीकानेर में भी आचार्यों की चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आचार्यों की चौक आ जाएगा। अच्छा, रम्मत को खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खेलार। रम्मत को खेलने वाले यानी कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं उसके अंदर, प्रतियोगी वापस आ गया देखो बोलने में, जो उसके अंदर प्रतिभाग करते हैं, ठीक है ना, प्रतिभागी होते हैं उसके, वो कहलाते हैं खेलार। जैसे गवरी के, देखो इसमें ध्यान रखना कि गवरी में जो प्रतिभाग करते हैं ना, यहां लिख देता हूं, गवरी में जो प्रतिभाग करते हैं वो खेलिए कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? खेलिए। और इसमें जो प्रतिभाग करते हैं वो खेलार कहलाते हैं, ठीक है। रम्मत का मंचन पाटों पर होता है, और ये पाट कैसे होते हैं? ये पाटा संस्कृति कहलाती है, और पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये पाटों पे होता है, और पाट किसके कहलाते हैं? लकड़ी के पाट होते हैं, ठीक है ना, लकड़ी के पाट होते हैं। अब आपको पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी है, ठीक है, प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी है, तो ध्यान देना, हेड़ऊ मेरी रम्मत जो सबसे प्रसिद्ध है, हेड़ऊ मेरी रम्मत यदि पूछे कि किसने, तो जवाहर जी, जवाहर जी द्वारा, ठीक है, जवाहर जी पुरोहित, पूरा ही लिख देते हैं लोग, जवाहर जी पुरोहित द्वारा,
ठीक है, हेडव मेरी रम्मत, मणि रामजीरी रम्मत, फागुजीरी रम्मत, अमर सिंह जीरी रम्मत, और एक और ध्यान रखना, एक और पूछी जाती है वो है स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, और इसमें पूछा जाता है किसके द्वारा, तो ध्यान रखना तेज कवि, किसके द्वारा, तेज कवि, तो ये भी इंपॉर्टेंट, और एक ये हेडव मेरी रम्मत है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रम्मत के अंदर आपके लोक नाट्यों में इतना ही रिवीजन करना है, ठीक है, इतना याद रख लो आप, ये रिवीजन की दृष्टि से आपके सारा ही रिवाइज लगभग हो गया है, ठीक है, या तो पूछा जाएगा खेलार, या कहां की प्रसिद्ध है जैसलमेर, कहां से उद्गम हुआ जैसलमेर, और प्रसिद्ध कहां की है बीकानेर, बस प्रश्न जो बनते हैं ये इर्द गिर्द। चलिए बात करते हैं अपन रासलीला की। अब रासलीला का मतलब ही यह है कृष्ण भगवान द्वारा गोपियों के संग जो रास रचाया गया, जो उनके साथ में उनके जो रासलीला है वो चीज है, ठीक है। रासलीला रामलीला से पहले प्रारंभ हुई ये बताते हैं नाट्यों के माध्यम में, ठीक है, जो लोक नाट्य पढ़ रहे हैं उसमें रासलीला पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। रासलीला की उत्पत्ति ये इंपॉर्टेंट है इसमें, रासलीला की उत्पत्ति वल्लभाचार्य द्वारा, यानी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, वल्लभाचार्य द्वारा उत्पन्न करवाई गई राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र। अब देखो इंपॉर्टेंट कहां है, जहां से प्रश्न बनेगा, राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है, ठीक है, फुलेरा जयपुर प्रमुख केंद्र है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रासलीला में भाग लेने वाले अभिनेता स्वरूप कहलाते हैं, इधर क्या कहलाते थे रम्मत के अंदर खेलार, इधर कहलाते हैं स्वरूप, गौरी में कहलाएंगे खेलिए, पात्र जो होते हैं वो खेलिए कहलाते हैं, गौरी के अंदर अभी बताऊंगा मैं आपको, तो ये कहलाते हैं स्वरूप, ठीक है, स्वरूप किस में कहलाएंगे, रासलीला के अंदर। राजस्थान में रासलीला के प्रवर्तक हित हरिवंश है। अब रासलीला में प्रश्न क्या क्या बनेंगे, रासलीला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर के फुलेरा की प्रसिद्ध है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, तो कृष्ण भगवान से अपने सीधे ही आ जाते हैं, तो वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू की गई, ठीक है। हित हरिवंश ये ध्यान रखना, प्रवर्तक यानी कि फैलाने वाले आगे बढ़ाने वाले वो थे हित हरिवंश, ठीक है, बस इतना याद रखना, स्वरूप आपको याद वैसे ही हो जाएगा, ठीक। अगली बात करते हैं कि अगला आप क्या इंपॉर्टेंट है, अगला है तमाशा, और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ही प्रश्न बनता है कि तमाशा जो लोक नाट्य है वो राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है जयपुर। यदि आपसे ये पूछे कि किसके समय ये तमाशा लोक नाट्य राजस्थान में मतलब आया और शुरू हुआ, शुरू पूछे प्रारंभ पूछे, ठीक है, देखो प्रारंभ पूछे तो ध्यान रखना प से प्रारंभ, प से प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के समय, ये वही प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, लाल चंद उस्ता वगैरह आपको सब पता है, ठीक है, ये वही प्रताप सिंह है जिनके समय गंधर्व बाईसी और बाईस के समूह के लिए जाने जाते थे, प्रताप सिंह के समय शुरू है। और यदि पूछे कि सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया, ठीक है, तमाशा से संबंधित ही पूछे कि सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया, तो राम राम कर लेना, ठीक है, यानी कि राम सिंह द्वितीय ने बढ़ावा दिया, सबसे ज्यादा बढ़ावा राम सिंह द्वितीय आया है प्रताप सिंह के समय, ठीक। मूल रूप से जैसा कि इसके बीच में दे रखा है तमाशा, म यानी कि म से महाराष्ट्र, ये मूल रूप से कहां का है, महाराष्ट्र का है, मूल रूप से ये लोक नाट्य महाराष्ट्र का है। अब देखो तमाशा कई बार कहते हैं क्यों तमाशा कर रहा है, तमाशा जो है तमाशा क्यों कर रहा है कहते हैं ना, यानी कि आप खुले में प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों ऐसे ही बता रहे हो, तो तमाशा खुले मंच पे होता है, कहां होता है, खुले मंच पे होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। आप देखो अखाड़े से कुश्ती के नहीं होते, अखाड़ा इसका भी है, खुले मंच पे किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशा लोक नाट्य जयपुरी ख्याल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रण है, ठीक है, इसके अंदर तमाशे में संगीत नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता है, ठीक है। महाराष्ट्र का मूल रूप से प्रताप सिंह ने लाया, राम सिंह ने बढ़ावा दिया और इनका मिश्रण है, ठीक। इसके प्रवर्तक यानी कि इसको बढ़ाने वाले कलाकार वो पंडित बंसीधर भट्ट, बढ़ाने वाले कलाकार यदि आपको पूछे तो पंडित बंसीधर भट्ट इसको बढ़ावा देने वाले कलाकार हैं। राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हारमोनियम, तबला, सारंगी और नकारा, ये नकारा बजाने के अंदर आपके अकबर बहुत ज्यादा
फेमस था, नकारा उसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र रहा है अकबर का, ठीक है, अकबर बहुत बजाता था नकारा, तो ये ध्यान रखना। और एक चीज और बताऊं आपको, एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, ठीक है, किससे संबंधित, तमाशे से संबंधित एक ट्रिक देता हूं। देखो वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हालांकि अपा तो वैलेंटाइन के खिलाफ ही रहा, तो भी बता दे, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो एक याद रखना, वासुकी जी एफ, वासुकी जी एफ ये याद रखना, ठीक है, वासुकी जी एफ तमाशा करती है, यानी वासुकी जी एफ बार बार परेशान करती है, तमाशा करती है, ठीक है, तो वैलेंटाइन इनकी गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए, इन गिफ्ट देना, वासुकी जी एफ तमाशा करती है, छोड़ दे, ठीक, इनके मतलब कौन है। तो देखो इसमें क्या है कि इसके कलाकार कौन कौन से, ये इस ट्रिक का मतलब ये है, यानी कि सबसे पहले तो आ जाएगा यहां वासु से ही, वासुदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, ठीक है, यहां से आएगा गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, ठीक है, और फूलजी भट्ट, फूलजी भट्ट, ठीक है, ये याद रख लेना, वासुदेव भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट और वासु की जीएफ तमाशा करती है, ठीक है, वासु की जीएफ तमाशा करती है, ये याद रख लेना। और पंडित बंसीधर भट्ट प्रवर्तक थे, यानी आगे बढ़ाने वाले पंडित बंसीधर भट्ट थे, तमाशे से संबंधित, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आपकी उम्मीदों से अच्छी होगी, ठीक है, बजट भले ही उम्मीदों अच्छो नहीं हो, पर क्लास अपारी जी को कहा बिनु बढ़िया देने की कोशिश हमेशा ही रहा करें, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी गौरव ज्ञान धारा के नाम से, जो चैनल का नाम है यूट्यूब का वही अपने उसका भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ सीधा याद रखना कादरा भूतरा दंगल दौसा के अंदर, दौसा के गिजगढ़ कस्बे का प्रसिद्ध है, कादरा भूतरा दंगल दौसा के गिजगढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है, इतना याद रख लेना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है ना, चलिए यहां तक ले लेते हैं इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो आप लोगों के साथ साथ हकीकत बताऊं ना, मुझे भी बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि सभी को बस हवा भी तो वही बनी हुई थी कि युवाओं को समर्पित, बहुत बड़ा, युवाओं को समर्पित, युवाओं को समर्पित, लेकिन मिलियो की नहीं, ठीक है भाई, दूसरी घोषणाएं हुई है, लेकिन जिसकी नजर, देखो जिसको गुलाब जामुन पसंद है तो उसकी नजर तो गुलाब जामुन पे ही रहेगी, गुलाब जामुन नहीं मिला तो उसके लिए शादी का खाना मतलब नहीं निकला, ठीक, बिन गुलाब जामुन मिल जाता तो मतलब निकल जाता, नहीं मिले तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब देखो जो आ रही है, उम्मीद करो कि आगे आ जाए, बढ़िया है, खाली पोस्टें खाली है, ये बात सभी जानते हैं कि पद खाली है तो निकालनी चाहिए थी वैकेंसी। भाई युवा जो है, एक बेटा अपने बाप से जैसी आशा रखता है ना, वैसे युवाओं ने मुख्यमंत्री जी से आशा रखी थी इस मामले में, लेकिन नहीं आया वैकेंसी निकाल, मतलब शिक्षा विभाग में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, कम से कम जो फोर्थ ग्रेड की कह रहे थे वो तो निकाल देते, या कुछ तो मतलब हिंट दे देते, कुछ तो होता, क्या रहे अब। चलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए बुरा लगता है, बाकी तो कोई नहीं, अपन से झूठा नाटक होता नहीं कि हाँ भाई ये फॉर्मेलिटी अपने से होती नहीं, न कभी की न कभी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं अपन रामलीला की। देखो रामलीला आप लोगों को सभी को पता है, मंचन, रामायण का मंचन किया जाता है एक तरीके से, मतलब श्री राम जी की कथा जो है वो बताई जाती है रामलीला के अंदर से, है ना, सीधी सीधी बात है, रामलीला राजस्थान में जो रामलीला है साथियों, वो बिसव की रामलीला जो है मूक अभिनय के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मूक अभिनय यानी बोले बिना म्यूजिक पे सारा अभिनय होता है, वो बिसव झुंझुनू की प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है, बिसव झुंझुनू की, बिसव झुंझुनू की ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और रामलीला भरतपुर के जुरहरा और कोटा के पाटुंदा की प्रसिद्ध है, और भरतपुर के जुरहरा की भी रामलीला प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान में रखना, बहुत सॉरी, कोटा के पाटुंदा की और भरतपुर के जोहरा की प्रसिद्ध है रामलीला, यानी राम जी की कहानी का मंचन किया जाता है, सीधा सीधा ही पूछ सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने इसको शुरू किया था ऐसा बताया जाता है, ठीक है,
एक और चीज याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शुरू, ठीक, इतना याद रख लेना, बाकी कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बात करें नौटंकी की, जैसा इसका नाम है वैसा ही है, ज्यादा कोई करता है तो क्यों नौटंकी करें, ठीक है। नौटंकी क्यों नाम है, क्योंकि नौ प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। भाई ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं कि कितने तरह के, मतलब ये इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है या नहीं है। तो नौ तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी जो है वो भरतपुर डीग की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? नौटंकी डीग की प्रसिद्ध है, और डीग के भूरीलाल ने इसको प्रसिद्धि दिलाई। डीग के भूरीलाल, भूरीलाल डीग। अब डीग पता है आपको, जल महलों की नगरी कहलाती है। तो जाटों का शासन रहा है यहां भरतपुर धौलपुर के अंदर, जाट शासक रहे हैं, सूरजमल जाट, मदन सिंह वगैरह ये सब, ठीक है ना, अजयगढ़ वगैरह वो सब, चलो पता ही है। भरतपुर डीग की प्रसिद्ध है। संपूर्ण भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है, और यह भी कहा जाता है यूपी के हाथरस से, देखो उद्गम कहां से हुआ, उत्तर प्रदेश, और उद्गम के अंदर ही हाथरस से उद्गम हुआ, इसे यह माना जाता है हाथरस यूपी से उद्गम, हाथरस यूपी से उद्गम, हाथरस यूपी से उद्गम हुआ, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट है दंगली नाट्य। यह नाट्य समसामयिक घटनाओं पर, करंट अफेयर्स पर आज रह रहे के ये जो है वही ले जा रहा है बार बार, ठीक। ये नाट्य समसामयिक घटना के साथ प्रारंभ होता है। करौली के कन्हैया ने दंगल तथा धौलपुर में भेंट के दंगल प्रसिद्ध है। करौली के कन्हैया के दंगल और धौलपुर के अंदर भेंट के दंगल प्रसिद्ध, सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है। क्या याद करो, करौली कन्हैया, ज्यादा लोड लेना नहीं, करौली कन्हैया के दंगल और धौलपुर, देखो द और द, भाई पकड़ना है तो ऐसे पकड़ सकते हो ना, धौलपुर के भेंट के दंगल है, ठीक है, भेंट के दंगल है धौलपुर, धौलपुर में भेंट ऐसे कर देना, धौलपुर में भेंट, और यहां पे क से क याद रख लेना, क से क, क्योंकि और धौलपुर और द तो जुड़े कौन, क्योंकि यहां भी द है, ठीक है, तो ये ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, ये क से क याद रखना, करौली से कन्हैया, करौली में कन्हैया के दंगल, बस इससे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कई जने पूछते हैं कि सर ये कौन सी पुस्तक है, ये है 8 महीने पहले आई थी अपनी एटलस, राजस्थान एटलस, मेरी, मैंने इस पे वर्क किया था और लक्ष्मण जी चौधरी ने इस पे वर्क किया था, उस समय बताया भी था, तो ज्यादा कोई भी चीज मैं बार बार नहीं बताता हूं, ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत बेहतर है, इसलिए इसको आधार बना के, क्योंकि इसको आधार बना के बहुत सारी चीजें जो है जल्दी कवर की जा सकती है, यही चीज अपन लिखें और इसी की मैं वापस स्लाइड बनाऊंगा, बहुत सारा समय जाएगा, इससे अच्छा जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है, तो इसलिए ये इस पे आधार बना के ही क्लास लिए, तो आप खुद देख रहे हो कि कितना बेहतरीन इसके अंदर वर्क किया भी गया है। देखो गवरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे कभी भी कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आरएस दे रहे हो, चाहे राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर ही पढ़ना। सबसे पहले यदि बात करें कि इसका प्रारंभ, बात करते हैं अपन इसका प्रारंभ कब से होता है, इसका प्रारंभ होता है साथियों भाद्रपद, भाद्रपद माह से प्रारंभ, और आसोज कहते हो ना आप, आश्विन कह देते हैं, अश्विन भी कह देते हैं, अश्विन कृष्ण नवमी तक, याद रखना 40 दिन, ये एक बार प्रश्न बना भी था, कितने दिन के, ऐसा लोक नाट्य जिसे 40 दिन तक जिसका मंचन होता है, जो सिर्फ दिन में होता है, ठीक है, 40 दिन भीलों से संबंधित है ये, बढ़िया बढ़िया, आपको मैं रिवीजन देखो पूरा ही करवा रहा हूं, संबंधित भील जनजाति, भील जनजाति से संबंधित, ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, यहां पे एक नाम लिखा हुआ है राई, ठीक है ना, तो राई भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना, इस कारण सबसे प्राचीन है, इस कारण इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है, मेरू नाट्य से भी प्रश्न एक बार बना है, इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। गौरी या राई लोक नाट्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य
जो दिन में होता है, ठीक है। इसके अलावा और मैंने क्या बताया, ये 40 दिनों तक ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज बताऊं आपको, इसके अंदर जो मुख्य होता है ना, अंदर जो विपरीत घूमता है, बाकी तो एक दिशा में घूमते, ये विपरीत घूमता है, उसे पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है, पूरिया या बुढ़िया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शिव और गोरा के प्रतीक के रूप में ही ये किया जाता है, शिव और गोरा यानी शिव पार्वती के रूप में किया जाता है। बुढ़िया, जामटिया, कुटकुटिया, इस तरीके के इसके पात्र होते हैं, और इसके पात्र पुरिया के अलावा फिर खेलिया कहलाते हैं, खेलिए, ठीक है, खेलिए कहलाते हैं। पात्र, अन्य पात्र यहां लिख देता हूं मैं, अन्य पात्र खेलिए, ठीक है। चलिए, इतना याद रख लेना, बहुत काम आएगा आपके। बात करते हैं अपन अगली, कठपुतली नाट्य। अब कठपुतली थान ध्यान नहीं है, कठपुतली लगभग सब देखी उड़ी हुई। मैं तो जी टाइम स्कूल में पढ़ता, बी टाइम कठपुतली वाला आता स्कूल में, बहुत राजी होता। आजकल देखने नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई कठपुतली वाले है ना, इस कला को जीवित रखना जरूरी है, लोक नाट्यों को संरक्षण की आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं, ये हमारी पहचान है भाई। राजस्थान और भारत की पहचान उनकी संस्कृति से ही होती है, तो संस्कृति को संरक्षण बहुत जरूरी है और इन कलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान में कठपुतलियां भाटों और नटों द्वारा नचाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख रूप से तीन प्रकार की कथाओं पर नचाई जाती है, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह की कथाएं। अमर सिंह राठौड़ की कथाओं पे बहुत ज्यादा कठपुतली का मंचन किया जाता है, ठीक है ना, इन पे सबसे ज्यादा कठपुतलियों का मंचन किया जाता है। ध्यान रखना कि कठपुतलियां आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। कौन सी लकड़ी की बनाई जाती है? आड़ू की लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती है, ठीक है। कठ यानी काठ यानी लकड़ी, उस पर पुतलियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहरूपीय या फिर कह सकते हो आप स्वांग, ये तो कला अभी भी काफी जगह देखने को मिलती है, बहरूपीय तो देखने को मिल जाती है कला। बहरूपीय एक प्रकार का स्वांग होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वांग। स्वांग यानी कोई भी रोल बना देते हैं, बहरूपीय तो अलग अलग रोल में आ जाते हैं, कभी पुलिस बन के आ जाते हैं, कई बार बच्चे डरते हैं, कई बार जो है अलग अलग रूप बना के आते, तो ये स्वांग नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसके सबसे नामी कलाकार, इसमें आपको याद रखना है, केलवा राजसंबंध के परशुराम तथा भीलवाड़ा के जानकी लाल बांड, ठीक है ना, भीलवाड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जानकी लाल बांड से बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। भीलवाड़ा के जानकी लाल बांड, जिन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अलग अलग रोल करते हैं, कभी हनुमान जी का कर दिया, कभी वानर का कर दिया, तो अलग अलग रोल करते हैं, है ना। और केलवाड़ा के परशुराम, दोनों को ध्यान रखना है आपको। जानकी लाल बांड मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। बहरूपिया कला कह दो चाहे स्वांग कला कह दो, एक ही बात है। फिर बात करते हैं अपन चारबेत कला। चारबेत टोंक की फेमस है, सीधी सी याद रखना है। मूल रूप से उत्पत्ति पूछे, यदि मूल रूप से उत्पत्ति पूछते हैं तो ध्यान रखना अफगानिस्तान में हुई है। मूल रूप से उत्पत्ति कहां हुई है? अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान से। राजस्थान के अंदर टोंक की प्रसिद्ध है और यही पूछा जाता है। टोंक की प्रसिद्ध है, जिसका वाद्य यंत्र डफ है, वाद्य यंत्र डफ है, प्रसिद्ध टोंक की है, उत्पत्ति अफगानिस्तान से हुई है। चारबेद चार प्रकार की होती है, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गम्माज, ठीक है, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गम्माज। चारबेद का प्रवर्तक अब्दुल करीम खां था। यदि आपको पूछे कि प्रारंभ किसके समय हुई, प्रारंभ का पूछे तो फैजुल्ला खान, ठीक है, प्रारंभ पूछे तो ध्यान रखना फैजुल्ला खान के समय, और प्रवर्तक पूछे तो फिर करीम खां को माना जाता है प्रवर्तक। तो ये एक साथियों आपके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा ही लोक नाट्य का रिवीजन भी करवाया, और लोक नाट्य मैंने पढ़ाए नहीं थे पहले, तो ये आपके क्लास भी हो गई। अब अपन चलते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न अभी तक बने हैं उनकी तरफ, और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से जो रिवीजन करना है अपन को उनकी तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। अब उसके लिए दूसरी पीडीएफ है, चलिए मैं आपको, अब आपने ये चीज पढ़ ली, अब बात करते हैं अपने पुराने आए हुए एग्जाम के प्रश्नों पे। बताना एक बार कमेंट करके जरूर कि क्लास कैसी है और रिवीजन ऐसे ही। हो सकता है किसी दिन मैं ज्यादा फ्री हो गया, क्योंकि देखो इतना फ्री नहीं हो पाता हूँ, स्कूल के बच्चों के भी एग्जाम आ रही है, छुट्टियां भी नहीं ले सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम है वो भी महत्वपूर्ण है, बच्चे स्कूल के भी, आपके लिए तो मैंने काफी सारी छुट्टियां लेके पहले कोर्स कवर करवाया है, लेकिन उन बच्चों के लिए अब अंतिम समय पे अपन छुट्टियां नहीं ले सकते, है ना। हालांकि मैं जब जब छुट्टियां ली है, मैंने ली अवैतनिक है,
जब जब छुट्टियां ली है विदाउट पे ली है, लेकिन अब विदाउट पे भी नहीं ले सकते क्योंकि अब देखो बच्चे वो भी अपने हैं, आप समझते हो इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं आपको अब कितना याद हुआ, ठीक है ना। चलिए रिवीजन हो जाएगा और पुराने प्रश्नों पे आपका अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यदि प्रारंभ पूछे, क्या पूछे कि प्रारंभ, तो रम जय याद किया ना, रम जय तो जैसलमेर, जैसलमेर। और यदि प्रसिद्ध पूछे कि प्रसिद्ध कहां की है, प्रसिद्ध कहां की है, तो फिर बीकानेर, बीकानेर। और पाटा संस्कृति इससे संबंधित क्या है? पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति क्या है? लकड़ी के पाट पर, लकड़ी के पाट पर रम्मत। इसके जो पात्र होते हैं वो खेलार कहलाते हैं, पात्र खेलार कहलाते हैं, ठीक है। रम्मत लोकनाट्य, अच्छा अगला प्रश्न यही है, ये देखो आ चुका है, रम्मत लोकनाट्य के पात्र क्या कहलाते हैं? इसके पात्र कहलाते हैं खेलार, क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ही यही होता है, खेलने वाले, रमने वाले, रम्मत का मतलब भी यही, रमने वाले। ये किस लोक नाट्य में पूरिया को नृत्य का प्रमुख पात्र माना जाता है? तो ये अपना है गौरी, किसमें? गौरी, या इसको राय नृत्य भी कहते हैं। ये 40 दिन तक किया जाता है, ये 40 दिन तक किया जाता है। ये एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में, कब होता है? केवल दिन में किया जाता है, ठीक है। लोक नाट्य चार वेद का संबंध किस शहर से है? तो चार वेद का संबंध राजस्थान के टोंक से है, ठीक है। कहां से है? टोंक से है, करीम का इसके प्रवर्तक है। चलिए अगले आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको अभी ही बताया है, आगे एक ट्रिक बताई थी, याद कर लेना, ठीक है, तमाशे के लिए। तुरा कलंगी लोक नाट्य, तुरा और कलंगी किसके प्रसिद्ध है, यह पूछा जाता है। अच्छा प्रश्न है, यह है शिव और पार्वती के प्रतीक है, किसके हैं? शिव और पार्वती के प्रतीक है। यदि पूछे कि इन्हें प्रारंभ किसने किया, तो इसे प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ किया तुकनगीर और शाह अली, हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली ने शुरू किया। राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? फिर वही है, गौरी को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र कहां है? तो प्रधान केंद्र वैसे तो है जयपुर, और जयपुर के भी अंदर पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना है कि कहां है, फुलेरा के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न, बादशाह की सवारी, भियावर खाडलिया भूत, ये किसके प्रसंग है? तो साथियों ध्यान रखना, ये भी इसका उत्तर भी है गौरी, ठीक है ना। गौरी के अंदर लोक नाटिकाएं होती है, छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है गौरी, गौरी की ये क्या है? लघु नाटिकाएं हैं, लघु नाटिकाएं, लघु नाटिकाएं होती है, उनमें से ही ये इसका नाम, मियावाड़ वगैरह बहुत सारी है। राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन कहां से शुरू हुआ? यदि कहां से पूछे तो आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ से। कहां से हुआ? चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ, चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया? राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया? तो आपको अभी आगे 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 ही बताया है, नौटंकी का प्रचलन किया है भूरीलाल, किसने किया है? भूरीलाल। और ये कहां के प्रसिद्ध है? ये डीग भरतपुर, डीग भरतपुर के प्रसिद्ध है। जानकी लाल ने किस लोक नृत्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? तो या तो यह ऑप्शन में आएगा आपके स्वांग लिखा होगा, या फिर लिखा होगा आपके क्या, बहरूपिया, क्या लिखा होगा? बहरूपिया, ठीक है। चल हो गया बादशाह की सवारी वगैरह। अच्छा बादशाह का मेला पूछे आपको, ठीक है, बादशाह का मेला पूछे तो कहां है? ब्यावर, ब्यावर, बी अवेयर, ब्यावर, ठीक है, ध्यान रह जाएगा, ओके। चलिए ये देखो मैंने प्रश्न इसी तरीके से लिया, आपके रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं अपन जीजीडी फैक्ट की, फैक्ट के माध्यम से भी काफी सारा रिवीजन हो जाएगा।
बिल्कुल दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कई जन कहेंगे सर क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा वे दिखे है, मैं पूरी चीज देख जांच पर करूं, इन बाद में नहीं दिखे तो भी पीडीएफ में ले थे, पीडीएफ में देख लियो। ठीक, सुन लो ध्यान से, रिवीजन की दृष्टि से ये परीक्षा उपयोगी फैक्ट है जो आपको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से टेलीग्राम पे हर रोज सुबह मिलते हैं इसके रूप में, और क्लास के अंत में अपन रिवीजन में इन 15 दिनों में लगभग लगभग सारे फैक्ट वापस रिवाइज कर लेंगे, और नए फैक्ट हर रोज आपको मिलते ही है। लगभग लगभग इन फैक्ट के माध्यम से अपन 800-900 से अधिक तथ्य दे चुके हैं विद्यार्थियों को, अब इससे ज्यादा सेवा क्या की जा सकती है। साथियों आप लोग मेरे अपने, आप लोगों की बदौलत ही हम हैं यहाँ, इसलिए बिल्कुल पूरे तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं। चलिए, मेवाड़ का आदि पुरुष पूछा जाए या प्रथम शासक पूछा जाए तो बप्पा रावल, इस बप्पा रावल को ही कालभोज, क्या कालभोज या मालभोज के नाम से जानते थे, मालभोज के नाम से जानते थे। इन्होंने हरित ऋषि से, हरित ऋषि या राष्ट्र सेनी माता, या राष्ट्र सेनी माता के आशीर्वाद से शासन प्राप्त किया। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल किसे कहा गया, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल भी बापा रावल को ही कहा गया, चार्ल्स मार्टल एक फ्रांसीसी योद्धा था। मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है भामाशाह को भी कहते हैं और प्रताप को भी कहते हैं, लेकिन भामाशाह ज्यादा सही है। मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है, भामाशाह को कहा जाता है, भामाशाह के ही भाई का नाम था ताराचंद, है ना, बेटे का जीजा जीवाशाह, और फिर ये भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया गया था मेवाड़ का, जिन्होंने 25 लाख रुपए और 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे जो है प्रताप की पूरी सेना का भरण पोषण होता था। ठीक है ना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर को कहा गया। आपको बताया था रावल शाखा राणा शाखा, जब रावल शाखा का अंत हो गया तो फिर हम्मीर ने वापस वहां पे सिसोदा ग्राम से आके यहाँ पे आगे बढ़ाया वंश को। मेवाड़ का राजवंश गुहिल और सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया बाद में है। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को कहा जाता है, और ये कटारगढ़ कहाँ है, ये कटारगढ़ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है ये कटारगढ़। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दीघाटी को कहा जाता है, और ये मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाले इसे कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड, कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। आपको अमर सिंह वाली कहानी बताई थी 1582 के अंदर, जो मूर्ति बना दिया था अपने शेरिमा सुल्तान को, अकबर के चाचा को, ठीक है ना वो। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, सराड़ा किले को कहा जाता है, और इस सराड़ा किले में भूरे लाल बया को, किसको, भूरे लाल बया को उम्र कैद की सजा दी गई थी, भूरे लाल बया को बंद करके रखा। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता के मंदिर को मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है, इसने उदय काम किए इसलिए ये उदा ही मरा था, यानी कि इसके ऊपर बिजली गिरी, मांडूबा गया था, बिजली गिरी थी, इसने किसकी हत्या की थी, कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, कुंभा की हत्या कहाँ की थी, मामादेव तालाब के पास में की थी, राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़। मेवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, जग मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन, बाण माता। मेवाड़ के असली शासक कौन कहलाते हैं, एकलिंग जी कहलाते हैं। मेवाड़ के राजा क्या कहलाते हैं, तो फिर वो एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। इनके कुल देवता, ठीक है ये। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चुंडा या राजकुमार चुंडा, राणा चुंडा नहीं आएगा इसके आगे, या राव चुंडा नहीं आएगा, राव चुंडा जोधपुर का था। ठीक है, ये आपको पता ही है, अंजाबाई वाली स्टोरी पूरी वही है। मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया राशमी को मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ कहलाती है। यदि पूछे मेवाड़ की आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन राजधानी तो फिर यह है चावंड, लूणा चावंडिया को हराकर इसे जीता था, यह चावंड है। यदि पूछे कि मेवाड़ की अस्थायी राजधानी किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था आवरगढ़ को बनाया गया था। ठीक है, मेवाड़ का प्रथम शाका या ये हुआ है 1303 रतन सिंह और अलाउद्दीन के मध्य। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहते हैं, और इसी सज्जनगढ़ को मानसून महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून महल भी कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर
पाथल या गज केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को जाना जाता है। और ये पाथल और पीथल बड़े प्रसिद्ध रहे, पाथल और पीथल, ठीक है। पाथल तो यदि पूछे कि पीथल, पीथल किसे कहा गया, तो पीथल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को, राठौड़ को पीथल कहा गया। देखो कितना सारा, एक तरीके से पूरा ही मेवाड़ आपके रिवीजन हो गया। ये ताकत है जीजीडी फैक्ट की, जो बिल्कुल ही निःशुल्क दिए जाते हैं, कोई शुल्क नहीं है। टेलीग्राम पे 1.5 लाख विद्यार्थी लगभग जुड़े हुए हैं, इस चैनल पे यूट्यूब पे 3.25 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी को कंटेंट बेहतरीन और क्लासेस 800 से ज्यादा चैनल पर अपने क्लासेस डाली रखी है। क्लासेस के लिए कोई ऐप नहीं है, ऐप है सिर्फ और सिर्फ किस लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। उसमें भी लड़के बाद में बताते, सर हमको तो पता ही नहीं था आप जो है 50-60 रुपए में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज चला रहे हो। हमने तो बताया है बार बार, ज्यादा बताते हैं तो भी क्या आलोचना का शिकार होना पड़ता है, जबकि सबको पता है कि इसमें सेवा है, कि सर पैसे भी तो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन कितने सारे एम्प्लॉयज और कितने सारे लोग सेवा करते हैं, उनको वापस खर्चा निकालना पड़ता है, सर्वर का खर्चा निकालना पड़ता है, महीने का 2-2-3-3 लाख सर्वर का खर्चा आता है। ये सारी चीजें हैं जो बहुत कम विद्यार्थी जो है समझ पाते हैं इस बात को, लेकिन हम जो है फिर भी चारों तरफ से की प्रतिक्रियाएं लेकर विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो ये अभी भी कह रहा हूं कि अभी इसमें यदि ज्यादा नहीं तो 15 टेस्ट वाली जो जीके की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर बेहतरीन व्याख्या आपको दे रखी है, और अब अंतिम समय में आपके ये बहुत काम आएगी, क्योंकि 15 टेस्ट इसके अंदर जो दिए हैं बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट में तो इसको अभी ऑफर में तो लगभग 51 रुपए में दिया था, अब जो है शायद 10-1 रुपए इस पे बढ़ाए हैं, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। देख लेना जिसको आवश्यकता महसूस हो, प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हो। चलिए अपन बढ़ते हैं अगली फैक्ट की तरफ। अब बात करें कुछ और फैक्ट की, राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है, बताना जरूर कमेंट करके कि हाँ सर ये पैटर्न बिल्कुल सही है, तो देखो अपन धुएं निकाल देंगे पूरी तरीके से। आप लोग याद करोगे कि वास्तव में किसी ने पढ़ाया भी था और रिवीजन भी करवाया था। मेरे ऊपर छोड़ दो कौन सा टॉपिक कब कैसे लेना है, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको उस हिसाब से ले लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ यदि पूछे तो बयाना भरतपुर में, ध्यान रखना कि बयाना जो है वो नील की खेती के लिए जाना जाता था, नील की खेती के लिए जाना जाता था। खानवा युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये स्थापित किया हुआ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का दूसरा पूछे तो फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसको आप सभी जानते हो। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ पूछे तो आउवा पाली के अंदर, और आउवा में संघर्ष किसने किया था, खुशाल सिंह, किसने किया था, खुशाल सिंह। एक तरीके से ये 1857 की क्रांति का केंद्र यहां पे रहा था। काले काले गोरे का युद्ध वगैरह ये सब चेरावास का युद्ध और अपन ने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ये यहां पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ कहां है, तनोट जैसलमेर में, और इसका तो मैं जब गया था जैसलमेर तो आपको फोटो भी बताया था 1965 की विजय की स्मृति में। मेवाड़ का विजय स्तंभ चित्तौड़ कुंभा द्वारा निर्मित है। परमारकालीन विजय स्तंभ जालोर के अंदर, परमारों का शासन भी रहा है यहाँ पे जालोर के अंदर है। प्रतिहारकालीन विजय स्तंभ पूछे तो मंडोर विजय स्तंभ जोधपुर के अंदर है, कहाँ है, मंडोर विजय स्तंभ जोधपुर के अंदर, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल, वो भी आपके मंडोर के अंदर, मंडोर उद्यान के अंदर ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक थंबा महल, वो भी आपके मंडोर उद्यान के अंदर है। बहुत सारे फैक्ट जो आपको रिवाइज करने हैं। अब बात करते हैं, यदि विजय स्तंभ की बात करें तो मैंने यही फैक्ट इसके साथ में भी डाल दिया, क्योंकि ये अलग से दिया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष में बनवाया, तो मांडू के उपलक्ष में बनवाया, ठीक है। इन्होंने जो बनवाया वो 9 मंजिला था, 9 मंजिला। फिर यहां से मांडू के सुल्तान को छोड़ा, इसने वहां जाकर 7 मंजिला बनाया, इसने कहा कि मैं जीता, जबकि सबको बताया कि जीता कौन था, कुंभा जीता था। विजय स्तंभ के उपनाम जो कई बार जो है पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं, किसके अनुसार है वो ध्यान रखना, तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसने कहा है, डॉक्टर गॉडसे ने कहा है। विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा है, उपेंद्रनाथ डे ने कहा है। रोम के टार्जन के समान किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र अनुपम निधि किसने कहा है, आरपी व्यास ने कहा है। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने कहा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। संगीत का की भव्य चित्रशाला किसने कहा है, सीमा राठौर ने कहा है। और ये सारे ही फैक्ट आपको एक साथ मिल गए कि इसको किसने क्या कहा है, बताइए अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपको ये वन लाइनर के अंदर भी आपको दिया गया था बिल्कुल ऐसी ही इसी तरीके से। हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना या मूर्तिकला का अजायब घर किसे कहा जाता है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ को।
कई जने ये समझते हैं कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है, नहीं। जब मैंने इसकी क्लास ली थी तब आप चित्र के साथ बताया था कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ अलग अलग है। विजय स्तंभ जो है इसकी ऊंचाई 120 भी मिल जाती है और 122 फीट भी लिखी मिलती है। अलग अलग स्रोत के अंदर अलग अलग है, दोनों ध्यान रखना। मंजिलें इसकी 9 है। शिल्पी पूछे तो जैता और जैता के पुत्र नापा पुंजा पुमा 157 इसके अंदर सिद्धियां हैं। फिर बात करें कीर्ति स्तंभ की, तो कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण जीजा शाह ने करवाया। समर्पित किसको है? आदिनाथ को समर्पित है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 75 फीट है। कई जगह इसके अंदर मंजिलों में 7 मंजिल मिलती है, कई जगह 6 मंजिल लिखी हुई मिलती है। ऊपर एक छोटी सी मंजिल है, उसे कई जने मंजिल मान लेते हैं, कई नहीं भी मानते। तो कई जगह 7 मिलती है, कई जगह 6 मिलती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए ये आपके ये भी रिवाइज हो चुका, ठीक है। अच्छा चलिए, और इसी के साथ में आपके रिविजन की ये क्लास पूरी होती है। टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दी जाएगी, ये देख लो, जिसको नाम नहीं पता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सारे ये आपको गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। स्पेलिंग देख लेना, गलती ये करते हो, जी ए यू लगाते हो, वो नहीं, जी ओ यू आर ए वी लगाए, यहां पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए जिसको भी अभ्यास करना है, मात्र लागत मूल्य के अंदर बेहतरीन अभ्यास यदि करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर अपनी आईडी बनाकर और अभ्यास कर सकते हैं। यदि टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई समस्या आती है तो ऐप में ही व्हाट्सएप का बटन है, लेकिन उस व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के तकनीकी समस्याओं का ही जवाब दिया जाता है। ना तो वहां पुस्तक की इंक्वायरी करें, ना आपको किसी कंफ्यूजन है तो वहां पे पूछे, उनका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। उसके बाद में मत कहना कि सर वहां पे रिप्लाई, वहां सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इश्यू यदि ऐप के अंदर है तो उसका ही जवाब वहां दिया जाता है, ठीक है। और ये चैनल तो आपको पता ही है, और मैं कभी कहता नहीं हूं सब्सक्राइब करना है या नहीं, जिसकी जैसी इच्छा हो, यदि लगता है तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। कुल मिला के मैं ये जरूर कहूंगा कि पढ़ लेना और अपने सपनों को सच कर लेना, बस यही हमारा तो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।